Hello dear students, welcome back to my channel. This is a video of increasing and decreasing functions in R. If you haven't subscribed my channel, then subscribe my channel for more such videos. And today we are going to start by solving a problem till the program implementation of increasing and decreasing functions in R. So let's get started. Let's see increasing and decreasing of functions. So when you see this particular curve, हमें curve देख के पता चलता है कि यहाँ पर ये increase हो रहा है, it decreases here, again it increases here and becomes constant at this particular part. So I can say that whenever it is approaching zero, it increases. Whenever it approaches two, it decreases. After two, it increases and after three, it is going to be constant, right? सो अभी हमें यही इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस दिखना है. सो अगर आप f को एक फंक्शन कंसिडर करते हो ऑन एन इंटरवल, यस, एंड वही इंटरवल में यू आर कंसिडरिंग x1 एंड x2 एज अ पॉइंट्स, टू पॉइंट्स, ओके. तो जैसे ये x1 और x2 दो पॉइंट है और ये जो है वो फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है, राइट. तो वॉट वी कैन कंक्लूड इज x1 इज लेस देन x2. ऑफकोर्स एज यू कैन सी x1 इज लेस देन x2. We can conclude that the value of function at x1 is going to be less than the value of function at x2. तो वो function increasing है, मतलब कि f of x1 जो है वो less than रहेगा f of x2, ठीक है. अगर हम x1 और x2 की बात करें और decreasing की बात करें, right? So x1 तो less है x2 से, but f of x1 जो होगा वो greater होगा f of x2 से. मतलब value of function अगर आप x1 पे find करोगे तो greater रहेगा जो भी आप वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करोगे x2 पे उससे, ठीक है. दैट इज f ऑफ x1 वुड बी ग्रेटर देन f ऑफ x2, देन यू से दैट द f इज डिक्रीजिंग. जब आप कांस्टेंट बोलोगे तो फॉर ऑल द x1 एंड x2 द वैल्यू ऑफ बोथ द फंक्शन इज गोइंग टू बी इक्वल. सो दैट मींस इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. So the question now is how we can find that the function is decreasing and increasing at what all points, barabar. So let's take f as a function which is continuous on closed interval a comma b and it is differentiable at on open interval a comma b. Closed interval yani ki a and b, whatever values are there between a and b and the endpoints a and b as well, okay. And open interval matlab बिटवीन ए एंड बी के वैल्यूज ही, ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है. सो हम कंसिडर करें कि हमारा फंक्शन एफ जो है वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल पे. तो अगर एफ डैश ऑफ एक्स दैट इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो आता है तो फॉर एवरी एक्स इन द ओपन इंटरवल एफ इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग, यस. अगर डेरिवेटिव लेस देन सॉरी ग्रेटर देन जीरो आ गया तो द एफ इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग. If f dash of x is going to be less than 0, then it is going to be decreasing. और अगर equal to 0 होगा तो it is going to be constant. Simple है, तीन चीज़ें याद रखना है यहाँ पे. अगर f dash of x greater than 0 होगा तो f जो है वो increasing होगा on closed interval. अगर less होगा तो वो decreasing on closed interval होगा. और अगर equal to 0 होगा तो वो constant होगा. तो एक question देख लो, f of x consider किया है, that is 3x raised to 4. प्लस 4x क्यूब माइनस 2lx स्क्वायर प्लस 2. एफ डैश ऑफ एक्स इवेलुएट किया तो हमें आया है 2lx इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1. अब जब आप इसको इक्वेट टू 0 करोगे तो x के क्या वैल्यूज निकल सकते हैं. 2lx इक्वल 0 आपको x इक्वल 0 दे देगा. x प्लस 2 इक्वल 0 करोगे तो x इक्वल माइनस 2 मिलेगा. एंड x माइनस 1 करोगे इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल 1 मिलेगा. तो ये जो तीन पॉसिबल वैल्यूज है, बराबर, इसे मैंने एक नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लिया है. लाइक माइनस टू विल कम, देन जीरो कम्स, देन वन कम्स. ऑन दिस साइड इट इज गोइंग टू बी माइनस इन्फिनिटी और ये साइड पे होगा प्लस इन्फिनिटी. अब हमें इंटरवल्स क्या लिखना है, देखो एक्स लेस देन माइनस टू हो सकता है, एक्स जो है वो माइनस टू और जीरो के बीच में हो सकता है, एक्स जो है वो जीरो और वन के बीच में हो सकता है और एक्स जो है वो वन से ग्रेटर हो सकता है. तो ये मेरे चार इंटरवल्स इस हिसाब से मुझे मिलेंगे, बराबर. x less than minus 2, minus 2 less than x less than 0, 0 less than x less than 1 and x greater than 1. अब f dash of x लिख दिया है यहाँ पर. अब इस हिसाब से कोई भी x की वैल्यूज लो, जैसे यहाँ पर आप minus 3 ले लो, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन सा वैल्यू आ सकता है, minus 1 ले लो.
यहाँ पे 0 1 के बीच में यू कैन टेक हाफ एंड योर यू कैन टेक से 2 3 4 वट एवर. अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे x की वैल्यूज पुट की और मैंने f डैश ऑफ x इवेलुएट किया. ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे -3 लोगे तो 12 × -3 -36 आएगा. -3 + 2 क्या आएगा? -1. -3 -1 क्या आएगा? -4. तो नेगेटिव 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 साइन क्या देगा? नेगेटिव साइन ही देगा. उस हिसाब से हमने सारे f डैश ऑफ x कैलकुलेट कर दिए तो हमें मिल रहा है -++. जहाँ पे नेगेटिव मिला मतलब लेस देन जीरो, और लेस देन जीरो होगा तो क्या होता है? डिक्रीजिंग. ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? इंक्रीजिंग. तो ये कंक्लूजन्स देखो, नेगेटिव है लेस देन जीरो मतलब डिक्रीजिंग, पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन जीरो दैट इज इंक्रीजिंग, माइनस दैट इज डिक्रीजिंग, प्लस इट इज इंक्रीजिंग. तो ये सम अगर आपको समझ में आया होगा तो नाउ लेट्स लुक एट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस. सो हियर वी आर टू स्टार्ट विथ अवर इम्प्लीमेंटेशन. सो आई एम गोइंग टू टेक द प्रॉब्लम विच वी हैड सॉल्व अर्लियर. सेम प्रॉब्लम हम इम्प्लीमेंट करेंगे आर स्टूडियो में. तो एक नया स्क्रिप्ट ले लेना है आपको, यहाँ से फाइल, न्यू फाइल एंड देन आर स्क्रिप्ट एंड देन यू कैन राइट योर कोड. तो हम स्टार्ट करते हैं. F1 लिया है एंड हियर आई हैव रिटन एक्सप्रेशन फंक्शन बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प मी टू क्रिएट एन एक्सप्रेशन आउट ऑफ वट एवर वैल्यूज आई पास हियर एज एन आर्ग्यूमेंट. सो देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा 3x^4 है प्लस 4x³ है. तो देखो 3 × x^4 प्लस 4 × x^3 यस x³ माइनस 12 × x² प्लस 2. तो जो भी हमारा क्वेश्चन था हमने वही लिखा है एंड देन आई जस्ट वांट माय F1 एक्सप्रेशन टू बी प्रिंटेड, राइट. सो अभी यहाँ दोनों लाइंस को मैं सेलेक्ट करके आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन रन. तो यहाँ पे आपको अगर दिख रहा होगा ये दोनों लाइन सक्सेसफुली रन हो चुकी है और यहाँ पे रिटर्न किया है मेरा एक्सप्रेशन जो भी मेरा f(x) था. ठीक है, अब हमें पता है कि हमें डेरिवेटिव निकालना है, डिफ्रेंसिएशन करना है, बराबर. सो यहाँ पे f′(x) हमने कैलकुलेट किया तो जो हमें मिला था 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x. तो यहाँ पर भी मैंने डिक्लेयर किया है वेरिएबल dif और डेरिवेटिव निकालना है तो आपको d लेटर यूज़ करना है बिकॉज इट इज़ यूज फॉर कैलकुलेटिंग द डेरिवेटिव. यस, एज यू कैन सी यहाँ पे आया है d एक्सप्रेशन कॉमा नेम. सो कौन से एक्सप्रेशन को आपका डेरिवेटिव निकालना है और विथ रिस्पेक्ट टू वॉट, यस विथ रिस्पेक्ट टू वॉट यू वॉन्ट टू कैलकुलेट. तो यहाँ पे मैं ये जो एक्सप्रेशन है उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालने वाली हूँ. तो ये एक्सप्रेशन का नाम है f1. तो मैं लिखूँगी df1 कॉमा विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट. एंड देन आई प्रिंट द प्रिंट द डेरिवेटिव दैट इज गोइंग टू कम. सो लेट्स सेलेक्ट दिस टू लाइन ऑफ इसको हम रन करके देखते हैं हमें आउटपुट क्या आता है, राइट. तो देखो यहाँ पे डेरिवेटिव निकल चुका है. अगर आप इसे रीड करोगे अच्छे से तो देखो यहाँ पे 12x³ है प्लस ये हो गया 12x² और यहाँ पे हो गया -24x, राइट. वही हमारा डेरिवेटिव था f′(x). अब जैसे हमने सॉल्व करके x के वैल्यूज कंप्यूट किए हैं वैसे ही आप पॉली रूट यूज़ कर सकते हो जिससे आप क्या कर सकते हो, पॉलिनोमियल के रूट्स निकाल सकते हो, राइट. सो हमें रूट्स निकालने हैं. सो रूट्स निकालने के लिए हमको कोएफिशिएंट्स देने पड़ेंगे यहाँ पर. और यहाँ पे कोएफिशिएंट कैसे जाते हैं? इट इज़ फ्रॉम लास्ट सिंपल कोएफिशिएंट, यस अ कांस्टेंट एट द एंड विच इज़ देयर. यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है तो प्लस जीरो है ना, और फिर अंत में एक्स का कोएफिशिएंट, फिर x² का कोएफिशिएंट, फिर x³ का कोएफिशिएंट, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे कोएफिशिएंट्स को लिखना है, ठीक है. और ये सी क्या है? इट इज़ यूज फॉर creating a vector of coefficients. Okay, so this whenever you write this c and then bracket values, so it is actually a vector of coefficients. So yahan pe vectors ki value kaise likhoge aap? Jo bhi aapka differentiation aayega, derivative ka answer aayega, uske piche se coefficients likhne ko chalu karna hai. Jaise aap dekhoge yahan pe last mein plus 0 hai, fir x ka coefficient kya hai? -24. कॉन्स्टेंट जीरो था, फिर -24 कोएफिशिएंट था x का, फिर x² का 12 है और x³ का 12 है, ठीक है. इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप कोएफिशिएंट्स लिख दो, राइट. ओके, सो दैट इज डन. सो आई जस्ट रन, सेलेक्ट दिस लाइन एंड रन इट. तो यू विल बी एबल टू सी इट इज गोइंग टू गिव मी रूट्स. सी दिस, तो आई तो इमेजिनरी है बट अगर हम रूट्स को देखें तो हमारे रूट्स है 0 1
और माइनस टू, तो हमने जब सॉल्व किया है तभी भी जीरो माइनस टू और वन ही हमारे रूट्स है। अब हमने यहाँ पे भी देखा कि हमें वैल्यू कैसे अजम्पशन करना है, बराबर। जैसे माइनस टू जीरो वन को मैंने नंबर लाइन में लिख दिया है, ऑन दिस साइड इट इज़ माइनस इन्फिनिटी और ये साइड पे है प्लस इन्फिनिटी। अब इनके बीच के वैल्यूज लेने हैं हमको, ठीक है। मतलब एक वैल्यू माइनस टू से लेस, एक वैल्यू जो होगा वो माइनस टू और जीरो के बीच में होगा, द अदर वुड बी बिटवीन जीरो एंड वन, एंड वन वैल्यू विच वुड बी ग्रेटर देन वन, राइट। तो हमको यहाँ से ये जो इंटरवल्स है ना उसमें से एक एक वैल्यू सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने माइनस टू से छोटा तो मैंने वो सेलेक्ट किया है एज माइनस थ्री, आई हैव अज्यूम्ड एज माइनस थ्री, यू कैन अज्यूम एनी नंबर, ठीक है। फिर माइनस टू और जीरो के बीच में क्या चाहिए हमको, आई एम टेकिंग माइनस वन। जीरो और वन के बीच में लेट्स टेक हाफ, सो आई हैव टेकन वन बाई टू ओवर ईयर, एंड द अदर दैट इज ग्रेटर देन वन आई हैव टेकन एज टू। नाउ वॉट आई वॉन्ट टू डू, एज वी हैव टेकन वन वन वैल्यूज फ्रॉम दिस फोर इंटरवल्स, आई नीड टू कैलकुलेट द एफ डैश ऑफ एक्स, राइट। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट एफ डैश ऑफ एक्स, तो यही मेरा एफ डैश ऑफ एक्स है, 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x। तो अब ये माइनस थ्री एक्स की जगह पे माइनस थ्री आ जाएगा, बराबर। सो ऐसे सारे एक्सप्रेशंस जो है वह होंगे वो इवैल्यूएट हो जाएंगे। सो मैं ये चारों को एक साथ रन कर देती हूँ, सी आई विल जस्ट रन दिस फर्स्ट वाला माइनस थ्री वाला। तो देखो माइनस 144 आंसर आया, मतलब एक नेगेटिव आंसर है जो हमने सॉल्व करने के बाद भी नेगेटिव ही आता है। फिर जो सेकेंड वाला इंटरवल लिया है उसे रन करोगे तो फिर ये देखिए 24 है जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। फिर जब आप हाफ सब्स्टिट्यूट करके रन करोगे यू आर गोइंग टू गेट माइनस 7.5, दैट इज अगेन अ नेगेटिव वैल्यू। एंड व्हेन आई पुट अ वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो हमें मिलता है 96, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, राइट। तो इस तरीके से इवैल्यूएट कर दिया, मतलब हमने ये भी सॉल्व कर दिया है, इसे भी इम्प्लीमेंट कर दिया है, यहाँ तक जो सॉल्व किया उसे भी हमने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, और आंसर भी हमारे बराबर से वैसे ही आ रहे हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस। अभी हमें प्लॉट करके देखना है, बराबर। सो हमें प्लॉट करना है, उसके लिए हम ये लिखेंगे फंक्शन इज ऑफ एक्स एंड देन आई राइट द एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन हमने ऊपर लिखा था ना वही हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, एंड देन आई एम प्लॉटिंग अ कर्व फॉर दैट फंक्शन। यस, फंक्शन मैंने लिख दिया है, डिफाइन कर दिया है, अभी हमें कर्व प्लॉट करना है। सो कर्व होगा फंक्शन के लिए, उसकी एक्स एक्सिस की लिमिट्स के लिए आप लिखोगे एक्स लिम, एंड वाई एक्सिस की लिमिट के लिए लिखोगे वाई लिम। सो मैंने दे दिया है कोएफिशिएंट्स, एक्स एक्सिस मेरा जो होगा वो माइनस 3 और 3 तक होगा, और जो वाई एक्सिस होगा वो माइनस 30 से लेकर 20 तक होगा। सो जब ये फाइनली आप लास्ट के टू लाइंस रन करते हो, राइट, तो साइड में प्लॉट बनता है, ये देखिए यहाँ पर प्लॉट है। अब इसी से आपको समझ में आता होगा, देखिए व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, इट इज डिक्रीजिंग, सी द फंक्शन इज डिक्रीजिंग व्हेन इट इज अप्रोचिंग माइनस टू, व्हेन इट इज बिटवीन माइनस टू एंड जीरो सी इट इज गोइंग टू इंक्रीज, या and when it is going to be between 0 and 1 फिर से decrease हो रहा है, slightly देखो decrease हो रहा है, और फिर 1 से ज़्यादा जब value होगा x का it is going to increase। तो ये हमें हमारे answers के हिसाब से curve मिल गया है, और curve को देख कर भी we can say whether the function is increasing and decreasing at what all values, right? So this was the simplest implementation you can do for the concept increasing and decreasing of functions. I hope you would have understood this. Isse implement karo. It would be fun doing this practicals. Stay tuned. Keep watching.